कांग्रेस में भाजपा सरकार जो बनी थी कुछ घंटों के लिए, उसके मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे इस पर? जिस तरह कर्नाटक राज्य में वहाँ के महामहिम महोदय द्वारा उस नेता को इनवाइट किया गया था, उस पार्टी के नेता को इनवाइट किया गया था जिसके सिर्फ 103 या 104 नंबर थे, उस सदन की स्ट्रेंथ 224 की है, 222 पे चुनाव हुआ, 112 पर सरकार बनती थी, संविधान के खिलाफ जाकर संविधान में क्लियर कटी व्यवस्था दी गई है अगर मेजॉरिटी है तो उस दल को वोट दिला दी जाए, नई मेजॉरिटी है तो अगर कोई गठबंधन बन रहा है तो उसको वोट दिलाई जाए। वहां पे इस तरह का निर्णय लिया गया था, उसकी कांग्रेस ने निश्चित तौर पर उसके खिलाफ 3 दिन में एक लड़ाई लड़ी, क्योंकि संविधान से अलग हटकर ये कहा जाए कि लोकतंत्र की हत्या की थी तो गलत नहीं होगा। ये उनको पहले भी पता था नंबर नहीं जोड़ पाएंगे, ये राज्यपाल महोदय को भी पता था नहीं जोड़ पाएंगे, फिर भी राज्यपाल महोदय ने उनको वोट दिलाकर 15 दिन बहुमत साबित करने के लिए देके कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त की मंडी लगाने का काम किया था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जिस तरह के निर्णय लिए गए कि आज 4 बजे ही फ्लोर टेस्ट होना है तो उसमें नहीं कर पाए, उनको पहले से पता था हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है, वो इस्तीफा देके चले गए। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने एक जो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी थी उस पर कांग्रेस को सफलता मिली है और इस देश का संविधान अपनी जगह सुरक्षित है।